जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो लास्ट व्लॉग आपने देखा कि हमने जो है वो आपके साथ शेयर की जी पाकिस्तानी हिंदू मेहंदी रात सेलिब्रेशन, और आज जो है वो इनकी है जी पार्टी, यानी कि दावत वलीमा जिसे बोलते हैं। एक्चुअली में जो है ना, ये घर मेरे मामू के लड़के का ही है, और अभी जो है वो टेंट वगैरह की प्रिपरेशन चल रही है, उसका जो है प्रोसेस चल रहा है। और इस साइड पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो टेंट वगैरह जो है वो लग रहे हैं, उसके अंदर जो है वो कुर्सी और टेबल्स वगैरह जो है वो सेट कर रहे हैं जो आए हुए हैं बंदे। और इस साइड पे जो है वो हमारे मुस्लिम भाइयों का घर है, और ये घर जो है वो शादी वालों का है, और उस साइड पे जो है वो चल पक रही हैं जी देगे हैं जिसे बोलते हैं। और हाँ, एक बात बताऊं कि यहाँ पे जो है ना वो पार्टी में जो है वो ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तानी हिंदुओं के जो पार्टी में होते हैं ना, जो उनकी जो है वो होती है वेडिंग होती है ना सेरेमनी, उसके अंदर जो है वो आपको ज़्यादातर मीट देखने को मिलेगा, और बाकी लोग जो है वो कम ही बनाते हैं। बट यहाँ पे जो है वो इंडिया में जो कम बनाते हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को जो है वो मीट ही देखने को मिलेगा। और इस तरफ जो है वो टेंट की तैयारियाँ वगैरह चल रही है, और इस तरफ जो है वो बन रहा है जी मीट देंगे। सो सब भाई जो है वो बैठे हुए हैं, और चल के दिखाते हैं आप लोगों को। देख फ्रेंड्स, ये है जी टमाटर बोलते हैं, और अंकल जो है वो साफ करके जो है वो एक देग के अंदर डाल रहे हैं। ये जो है वो एक देग इन सब देगों के अंदर जो है वो बाद में काट के जो है वो डाली जाएगी। और आई थिंक इसके अंदर जो है वो क्या बन रहा है, कुछ नहीं है। इसके अंदर जो है वो अनियन है, यानी कि प्याज, और ये देखिए, और इसके अंदर जो है वो पानी गर्म हो रहा है, और उसके अंदर भी पानी गर्म हो रहा है। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, कैसे हो? बहुत अच्छे। क्या सेलिब्रेशन हो रही है फुल? जी बिल्कुल। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो मीट क्यों बनाते हैं? ये यहाँ पे यही चलता है, यही चलता है, बाकी कोई नहीं बनाते? नहीं, सही है। सो उस तरफ जो है वो मसाले वगैरह पड़े हुए हैं, चल के दिखाते हैं जो आप लोगों को, और जब पक जाएंगे बाद में हम काउंट करेंगे कि यहाँ पर जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो हिंदूज बरादरी जो है वो इकट्ठी होती है। और देखें, ये कुछ खाली जो है वो देगें पड़ी हुई हैं, आई थिंक आप लोग इनको क्या कहते हुए, और इस तरफ जो है वो मसाले वगैरह पड़े हुए हैं। ये देखें जी, ये जी नेशनल कोरमा रेसिपी मिक्स, ओके। ये जो है वो गोश्त के अंदर डाला जाता है, और यहाँ पे भी जो है वो टमाटर वगैरह पड़े हुए हैं। ये क्या है? ये धनिया है आई थिंक, धनिया है। और इस तरफ जो है वो, हाँ, और इस तरफ जो है वो मामू जी बैठे हुए हैं। मामू क्या क्या कर रहे हो? ये अपना मसाला बना के वेज डालते हैं। ये है क्या? ये अल्लाह जाने क्या बला है, अदरक है, अदरक वगैरह। ओके ओके, सो ये वाले, हाँ सो फ्रेंड्स, ये जो है वो गार्लिक है जिसे लहसुन बोलते हैं, और ये जो है वो अदरक है, वो भी देगों में डाला जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो देगें वगैरह पक रही हैं, और एक अंकल जो है वो लकड़ियाँ तोड़ के नीचे डाल रहा है। इन तीन देगों के अंदर जो है वो एक वाली देग के अंदर जो है वो प्याज है, और दो वाली देगों के अंदर जो है वो पानी है। इन दो देगों को जो है वो इस पानी गर्म करके जो है वो इन देगों को वॉश किया जाएगा, और वॉश करने के बाद जो है वो इन देगों को भी यूज़ किया जाएगा, और इनके अंदर खाना भी बनाया जाए। सो भैया, ये है जी शादी वालों का घर, और ये है जी शादी वालों का टेंट, और देखें किस टाइप से जो है वो ये डिज़ाइन किया गया है। और हमने आपको इंडियन शादी भी जो है वो आपके साथ शेयर की थी, होप के वो भी आपको पसंद आई थी। और अगर नहीं देखी तो उसकी वीडियो की लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और एंड स्क्रीन पे जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगी, और कंपेयर टू पाकिस्तान करके देखिएगा कि कौन सी जो है वो मस्त है। सो देखें, ये जो है वो कुर्सी और टेबल जो है वो लगाया हुआ है, सो कुछ इस टाइप से जो है वो कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई हैं, और बीच में जो है वो एक टेबल रखा हुआ है, और ये तीन छः तीन नौ और 10-11 बंदे जो है वो एक टेबल पे बैठते हैं, और इसके ऊपर जो है वो मीट वगैरह और चावल वगैरह रख दिए जाएंगे, पानी वगैरह सब जो है वो जो भी लेके आए ना वो सब जो है वो मैनेज करेंगे खुद ब खुद। तो ये भी जो है वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, और इन्होंने जो है वो रेंट पर ये सब लेके आए हैं। सो देखें, कुछ इस टाइप से जो है वो टेंट का जो है वो प्रोसेस किया गया है, और चलते हैं हम लोग उधर चलते हैं, और दिखाते हैं कि शादी वालों के घर जो है वो इस टाइम जो है वो क्या बन रहा है और क्या हो रहा है। और रात में जो है वो हमने आपको एक मंदिर दिखाया था, उसका भी थोड़ा सा आपको विज़िट करवाते हैं कि राम मंदिर के तौर पे जो है उन्होंने एक बनाया, और उसके ऊपर लिखा है जी जय श्री राम, ओके। और यहाँ पर कुछ आपको व्यू दिखाते हैं, कुछ
इस टाइप से जब ये व्यू नज़र आ रहा है, वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ भैया क्या बात है यार। और अगर मैं आपको थोड़ा सा दूर करके दिखाऊं तो भैया क्या मस्त व्यू आ रहा है देखिए। और ये देखें, ये मैंने आपको रात मंदिर दिखाया था, ये जो जय श्री राम, राम मंदिर के नाम से ही एक जो है वो मंदिर बनाया है, इसका विजिट भी जो है वो हम आपको बाद में कराएंगे। सो उस तरफ चलते हैं, और उस तरफ जो है वो कुछ अंकल्स आए हुए हैं, वो जो है वो, और देखें ये बच्चे जो है वो खा रहे हैं कुल्फियाँ, और ये जो है वो देखें किस टाइप से खिला रहे हैं। खिलाओ खिलाओ एक बार फिर से, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। वाह देखिए भैया क्या एंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग यार। कितने किया, कितने दिया? 10 किया। ओके सो उस तरफ जो है वो अंकल्स आए हुए हैं, और एक पेटी सी रखी हुई है, एक पेटी बोले या जो भी बोलें, उसके अंदर जो है वो कुल्फियाँ रखी हैं, 10 की होगी, 20 की होगी, 30 की, 40 की, 50 की, एक डब्बी होगी। ओके तो ये जो है वो इधर बेच रहे हैं, और ये भी जो है हमारे मुस्लिम भाई भी हैं। सो देखें जी वीडियो बन रही है, कुछ मुश्किल नहीं? नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं। ओके कुल्फियाँ खा सकते हो? ओके सो फ्रेंड्स ये जो है वो अंकल आए, और ये जहाँ पे भी कोई शादी या कोई भी शादी ब्याह होती है ना उसके अंदर जाते हैं, और उस या वहाँ पे जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा बिक्री हो जाती है। सो अंकल कितने कितने की है? 50 वाले भी है, 100 वाले भी है, 10 वाले भी है। नहीं फर्स्ट ऑफ अपना नाम, नाम क्या है आपका? मुख्तार अहमद। ओके सो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? मुस्लिम। हाँ मुस्लिम। ओके सो कितने कितने वाली है? ये कितने की है? ये 10 की। ये देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर जो है ना आप हाथ डालें ना, इसके अंदर आपको जो है वो ठंडा देखने को मिलेगा। ये साइड पे जो है ना वो बर्फ़ रखी, बर्फ़ है ना, प्लेटें। हाँ प्लेटें रखी हुई है, ये जो है वो ठंडी है, ये कुल्फियों को जो है वो गर्म नहीं होने देती। सो 10 वाली, 20 वाली और 50 वाली, 50 वाली। ओके सो एक जो है वो अंकल इधर आए हुए हैं, गौस बख्श। ओके मुस्लिम है? ओके आपके पास भी वही है सेम ही है, ज़रा दिखा सकते हैं? ओके ये कितने कितने वाली है? ये वाली 10 रुपए की। ओके ये भी? सो फ्रेंड्स ये जो है ना वो आई थिंक के मैंगो वाली है, ऑरेंज वाली जिसे हम माल्टा बोलते हैं, ये जो है ऑरेंज वाली है, और ये जो है वो आपको दूध वाली देखने को मिलेगी 10 रुपए की, और ये भी 10 की। और एक जो कप होता है, कप दिखा सकते हैं क्या? कप ही 10-50 वाला। हाँ एक दिखा दीजिए ज़रा। सो फ्रेंड्स ये कप जो है ना वो आप देख सकते हैं, ये जो है वो 50 का है, 50 का है। सो भैया यहाँ पे ना आपको रेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और आप कंपेयर टू इंडिया कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे भी जो है वो हमने आपको एक ग्रोसरी आइटम दिखाई थी, तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है वो सस्ती है। सो अभी जो है वो सब हमने आपको दिखाया, और इसके बाद जो है वो जैसे ही जो है वो बंदे इकट्ठे होंगे और मेहमान वगैरह आएंगे, उनको जो है वो कुर्सियों पे और टेबल्स वगैरह पे जो है वो बिठाएंगे, और उसके बाद जो है वो खाना वगैरह डिवाइड करेंगे, और बाद में जो आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे। और इस तरफ देख सकते हैं कि शादी वालों का घर है, अभी जो है वो दूल्हे को लग दिया जी मेहंदी, और बाद में जो है वो आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना वो मसाले वगैरह तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए, वो सब जो है वो तैयार हो चुके हैं, और अभी जो है वो अंकल जो है वो एक एक करके जो है वो मसाला जो है वो देग के अंदर डाल रहे हैं, और फाइनली देगो को भी जो है वॉश कर लिया गया है, और इसके बाद जो है देगो के अंदर बनेगा जी मीट, 10-10 देगे जो है वो बारी बारी से बनाएगी जी। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस टाइप की जो है वो देगे वगैरह पड़ी हुई हैं, और 30 देगे जो है ना वो हमने काउंट करके आपको बता, और देखें ये कुछ इस तरह से जो है वो 10-10 किलो एक देग के अंदर जो है वो गोश्त डाल के गोश्त को बनाया जाता है, 10-10 देगें जो है वो बारी बारी से बनाई जाएगी, और कुल मिला के जो है वो 30 देगें हैं। ओके और दो बंदे जो है वो लगे हुए हैं, देखें कुछ इस टाइप से जो है वो ये सब देगें बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर ये एक चमचा सा होता है, वो जो है वो ऐसे घुमा के सब मसालों को जो है वो मिक्स कर दिया जाता है ताकि सब जो है वो टेस्टी बने, और मैंने जो आपको मसाले वगैरह ऑलरेडी बता दिए हैं, वो देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है वो बनाते हैं, एक एक देख के अंदर जो है वो ये जो है वो घुमाते हैं, सही हो गया। सो देखें कुछ इस तरह से जो है वो ये पाकिस्तानी हिंदू वेडिंग्स के अंदर जो है कुछ इस टाइप से जो है वो देगे बनाई जाती हैं,
और देख सकते हैं भैया कितने सारे बंदे आए हुए हैं और शूटर भी ब्लॉगर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये जो मामू ने जो है वो मसाला ऐसे करके कूटा था और वो जो फाइनली अभी इनके अंदर डाला जा रहा है अदरक और उसके बाद जो है वो गार्लिक जिसे लहसुन बोलते हैं। ओके सो इसके बाद जो है वो ये गोश्त की बारी आएगी, मीट की बारी आएगी। मीट जो है वो अब 10-10 किलो जो है वो इसके अंदर एक एक देख के अंदर डाला जाएगा। सो गोश्त डालने के बाद जो है वो हम लोग करेंगे जी आज के इस कुकिंग व्लॉग का एंड। होप कि आपको पसंद है, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आएगी जी हमारी पार्टी के ऊपर और होप कि आपको वो भी पसंद आएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।